अस्सलाम वालेकुम मेरे पास निकॉन का डी सेवेंटी टू हंड्रेड में आपको उसकी बेस्ट इमेज क्वालिटी सेटिंग बताऊंगा सबसे पहले अपने कैमरा को ऑन कर लेना है देन आपने कैमरा को मैनुअल मोड के ऊपर पुट करना है मैनुअल मोड पे पुट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी मीटिंग को सेट करेंगे आपने इन्फो का बटन दबाना है और मीटिंग का बटन दबाना है और आपने मीटिंग को सेंटर बेटेड पर कर देना है या मैट्रिक्स पर कर देना है मैं सेंटर बैटेड कर रहा हूँ मीटिंग को देन वाइट बैलेंस सेट करेंगे वाइट बैलेंस को अपने हमेशा कैरवन पर रखना है और कंडीशन के हिसाब से अपने वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर लेना है इसके बाद हमने इमेज क्वालिटी को सेट करना है इमेज क्वालिटी में हमें इमेज साइज़ और इमेज क्वालिटी देखने को मिलता है इमेज साइज़ अपने लार्ज रखना है और इमेज क्वालिटी को अपने फाइन के ऊपर रखना है देन हम मेन्यू में आएंगे उसके बाद अपने एक्टिव डी लाइटनिंग को आपने या तो हाई कर देना है या नॉर्मल कर देना अगर आपकी लाइटिंग ठीक है तो आप इसको लो पे भी रख सकते हैं देन साइड पिक्चर कंट्रोल पर स्टैंडर्ड पर आपने रखना है और इसकी शार्पनिंग और सैचुरेशन को आपने लिटिल बिट इंक्रीज़ कर देना है कलर स्पेस को आपने टॉपी और रखना है इसके बाद हम आएँगे फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर ऑटो तो फोकस के ऑप्शन मिल जाते हैं एफ सी प्रो और एफ एस आपने दोनों को फोकस के ऊपर रखना है इस पर आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके बाद निकॉन डी सेवेंटी टू हंड्रेड में मेन इंपॉर्टेंट बटन ये वाला बटन है ऑटो तो फोकस वाला बटन आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ से आप अपने ऑटो तो फोकस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आपने करनी है तो आप उसको एफ एस और सिंगल सिलेक्शन के ऊपर रखें नहीं तो आप उसको एफ ए पे भी रख सकते हैं और मल्टीपल फोकस पॉइंट के ऊपर भी रख सकते हैं लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए मस्ट uh, कि आप इसको एफ एस और सिंगल पॉइंट के ऊपर छट करें